नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है, क्योंकि राजस्थान में अब पूरी तरह से जो लॉकडाउन है वो हटने जा रहा है तथा आपको फुल छूट मिलने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जो वीकेंड कर्फ्यू राजस्थान में लगा हुआ है, सरकार संशोधित गाइडलाइन जारी करके उसे पूरी तरह से हटा रही है तथा दोस्तों शादियों पर जो पाबंदी लगी हुई है उसमें आपको छूट दी जा रही है। इसी के साथ में और भी 5 ऐसी चीज़ हैं जिसमें पहली बार आपको छूट मिलने जा रही है, तो देख लीजिए पूरी लिस्ट इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट की जा रही है। प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार अगले सप्ताह वीकेंड कर्फ्यू को हटाने पर विचार कर सकती है। सरकार इस बारे में निर्णय लेकर वीकेंड कर्फ्यू हटाने के संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी कर सकती है। साथ ही बाजारों का जो समय है दोस्तों उसे और भी बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में शीघ्र ही बैठक ले सकते हैं। राज्य में पिछले 2 दिनों से कोरोना के जो केसेज हैं 500 से भी कम आ रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या भी 8000 से नीचे पहुँच गई है। राज्य में संक्रमण दर भी 3% से कम बनी हुई है। यानी कि दोस्तों अगर हम स्पष्ट शब्दों में बात कहें तो राज्य में अब कोरोना संक्रमण ना मात्र का ही रहा है, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ मैं आपको बताएं कि कोरोना नियंत्रण के हालातों को देखते हुए लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि एक बार आपको फिर से छूट दी जा रही है, पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन नहीं हटाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो लिस्ट आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी आपको अब की बार छूट मिल रही हैं, यहाँ पर आप देखें राज्य सरकार की लागू गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू को सोमवार सुबह 5 बजे तक तय किया था। कुछ विशेषज्ञों ने 2 सप्ताह का अंतराल लेते हुए लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने का सुझाव दिया है। हालांकि विशेषज्ञों ने ढील के साथ कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की बात भी कही है। इस लिहाज से अगले सप्ताह वीकेंड कर्फ्यू हटाने की संभावना है। छूट फाइनल करने से पहले अधिकारी दिल्ली जैसे राज्यों में दी गई छूटों का अध्ययन करने में जुटे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अधिकारी बैठे हैं, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उच्च अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन अब की बार दोस्तों देखिए, जब भी छूटें दी जा रही हैं और जब भी संशोधित गाइडलाइन जारी होती है तो विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है और उसी आधार पर जब वो सुझाव देते हैं तो ही उसी के आधार पर आपको छूट दी जाती है। तो विशेषज्ञों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं तो आपको उस प्रकार से ये छूट अब की बार मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि बाजार संभवतः 7 दिन खुलने वाले हैं। यानी कि जो अभी बाजार सोमवार से और शुक्रवार तक खुल रही थी, अब वो सप्ताह में 7 दिन खुलेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखें कि बाजारों का जो समय है 4 बजे की जगह अब शाम 7 या 9 बजे तक किया जा सकता है। यानी कि देर रात तक अब बाजार खुलने वाले हैं। उसी के साथ में दोस्तों मुहूर्त को देखते हुए शादी समारोह है और इससे जुड़े गार्डन, हलवाई, कैटरिंग आदि में भी कुछ छूट आपको दी जा सकती है। इसलिए बने रहिए, जैसे ही गाइडलाइन आएगी सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी संशोधित गाइडलाइन। यहाँ पर आप देखें कि सार्वजनिक परिवहन जैसे कि सिटी बस, मिनी बस सेवा हैं, इनका सेवा का दायरा भी राज्य के बाहर शुरू किया जा सकता है। यानी कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश वगैरह में दोस्तों आप जा सकते हो और इसकी आपको छूट मिल सकती है। तो दोस्तों संशोधित जो गाइडलाइन है वो जल्दी जारी होने वाली है, क्योंकि अधिकारी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। सुझावों के आधार पर आपको जल्दी अपडेट किया जाएगा। इसलिए अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी ही बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।